बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए कि क्या आपको अगर एक मॉल आ रहा है इन दिस एरा ऑफ हाई स्ट्रीट मार्केट्स, अगर एक मॉल आ रहा है तो क्या आपको मॉल में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको एक हाई स्ट्रीट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें कई लोग ये बोलेंगे कि आप भाई मॉल को भी अच्छा बोल रहे हैं, आप हाई स्ट्रीट मार्केट को भी अच्छा बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हो ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा। मॉल में एक डिमेरिट ये होता है सबसे बड़ा कि मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस हाई स्ट्रीट मार्केट से ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो छोटे ब्रांड्स होते हैं इनका जिनको अपना खुद का काम करना है वो लोग रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो सेक्टर 82 में जो ऐलान का जो मॉल आने वाला है टेंटेटिवली, उसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी कंपाउंड में जो ये मॉल आने वाला है उसी कंपाउंड में एक 5-स्टार होटल आने वाला है। वो मुझे ये भी पता है कि कौन सा मॉल, कौन सा 5-स्टार होटल आने वाला है, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको वीडियो भी नहीं बता, क्योंकि मान लीजिए अगर लीजिंग अच्छी भी हुई, बहुत ब्रांड्स आ भी गए, तब भी ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर ये सबसे पहले भरेंगे, और फूड कोर्ट सबसे पहले ये भरेगा, उसके बाद के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का नंबर आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को ये जो फ्लोर्स मैंने बताए हैं इस पे चीज़ें दिलवाऊँ, क्योंकि ये चलने वाली चीज़ें होती हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो है अबाउट द फर्स्ट मॉल ऑफ न्यू गुड़गांव, और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ये होने वाला है इसमें, क्योंकि मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। बेसिकली ये ऐलान का एक नया मॉल आने वाला है जिसका रेरा अवेटेड है, लेकिन उसके बारे में अभी बहुत सारी डिटेल्स आपको नहीं मिल पाई होंगी, जो टेंटेटिव डिटेल्स हैं लमसम डिटेल्स होंगी वो, लेकिन मैक्सिमम डिटेल्स जितनी मैं आपको दे सकता हूँ वो मैं कोशिश करूँगा आपको देने की, ताकि आप एक डिसीजन ले पाएँ। लेकिन वो डिसीजन सिर्फ इस बेसिस पे आप डिसीजन नहीं लेंगे कि क्या डिटेल्स आ रही हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए कि क्या आपको अगर एक मॉल आ रहा है इन दिस एरा ऑफ हाई स्ट्रीट मार्केट्स, अगर एक मॉल आ रहा है तो क्या आपको मॉल में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको एक हाई स्ट्रीट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मॉल में इन्वेस्ट करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो स्टडी है, मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से मैं चीज़ें बताऊंगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली अलग हो सकती है, किसी और की अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उससे चीज़ें बताऊँ, कोशिश करूँगा कि आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करवा पाऊँ जैसा मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, कि कहीं पर आप फंसे ना, कोई स्टक चीज़ ना हो आपका। अगर कोई शॉप भी लें आप तो लीज आउट आराम से हो जाए या सेल आउट आराम से हो जाए, आपका पैसा जो है जो आप बढ़ाना चाह रहे हैं वो मैनिफोल्ड्स में बढ़े, तो ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा। तो इसमें भी ये बताएंगे, तो मैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो बताऊँगा, और हाई स्ट्रीट और मॉल के बीच में डिफरेंस या क्या कैसे करना चाहिए, और ये सब बातें हम लोग करेंगे। अभी आप सामने देख रहे हैं हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, सामने सेक्टर 84 है, ऐलान मिराकल, ऐलान मिराकल के अंदर हम लोग जाके ये बातें करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। कई चीज़ें ऐलान मिराकल में अब खुल गई हैं, कई ऐसी चीज़ें खुल गई हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ देख के ही समझ में आएगा। तो अभी चलते हैं ऐलान मिराकल की तरफ, बिल्कुल हम लोग पास में ही खड़े हुए हैं, वहाँ चल के आगे की बातें करते हैं। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स ऐलान मिराकल। तो अब हम लोग आ गए हैं ऐलान मिराकल के अंदर। सो ऐलान मिराकल क्या है, सेक्टर 84 में, सेक्टर 84 इज़ न्यू गुड़गांव, लेकिन ऐलान मिराकल एक हाई स्ट्रीट मार्केट है ऐलान की, जो बहुत खूबसूरत बनाई है इन लोग ने, और बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के सामने है, मतलब बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो 84 वाली जो लाइन है वो पूरी कॉमर्शियल बेल्ट है 84 वाली, और आप उसके अपोजिट साइड में चले जाएंगे तो बिल्कुल न्यू गुड़गांव है, और जिस तरफ फेस कर रहा है ऐलान मिराकल वो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे फेस कर रहा है। इसके जस्ट सामने क्रिसुमी है, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में देना चाहता अगर आपने नहीं देखा है। वैसे तो ये चौराहा ही ऐलान मिराकल चौराहा के नाम से फेमस हो गया है, जैसे ही आप CPR से उतरते हैं तो ये चौराहा जो आता है वो ऐलान मिराकल बिल्कुल है वहाँ पे, क्रिसुमी है, फिर आप राइट ले लेते हैं तो सीधे द्वारका की तरफ चले जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और सीधे चले जाते हैं न्यू गुड़गांव की तरफ। तो बेसिकली मेरा पर्पस जो है वो आपको यहाँ पे बताने का जो है वो समझ में आ जाएगा आपको धीरे। अभी क्या है, बेसिकली ये वीडियो है मॉल के बारे में। मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था कि दिस इज़ द एरा ऑफ हाई स्ट्रीट मार्केट्स, क्योंकि मैक्सिमम हाई स्ट्रीट मार्केट्स ही हैं जो लॉन्च हो रही हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब उसमें एक मॉल आने वाला है जो कि टेंटेटिवली, ये सारी जिसमें इन्फॉर्मेशन मॉल के बारे में होगी वो टेंटेटिव होगी, बिकॉज रेरा इज़ अवेटेड, लेकिन रेरा बहुत जल्दी आने वाला है, ये अच्छी चीज़ है। अब इसमें क्या है कि मॉल में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पॉइंट है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जितने भी वीडियोस देखे या जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे बहुत ही पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं कोई देते हुए दिखा, जाहिर सी बात है। इसमें तो इसमें बेसिकली क्या है कि सेक्टर 82 में
मॉल आने वाला है ऐलान का, जो कि DLF अल्टिमा के एकदम सामने होगा। अब सेक्टर 82 में, जैसे आपको याद होगा, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा, इस तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, गुड़गांव बेस्ड। और जब मैंने 82 की बात करी थी लास्ट टाइम में, मेरा एक बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट है वहाँ पे, जो कि एक SCO मार्केट है, वो है ऑरिस की। वो मेरा बहुत फेवरेट इसलिए था क्योंकि सेक्टर 82 में ऑलरेडी कैचमेंट बहुत अच्छा है, मतलब लोग रह रहे हैं। DLF अल्टिमा ले लीजिए, DLF प्राइमस ले लीजिए, वाटिका का सॉवरेन नेक्स्ट, या जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, बेस्टेक की बहुत सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे लोग रह रहे हैं, और जो रहते हुए लोग हैं उनको ही जाहिर से बात है चाहिए होता है एक मॉल या एक हाई स्ट्रीट मार्केट, क्योंकि लोगों से ही ये हाई स्ट्रीट मार्केट या मॉल चलते हैं। तो अब बेसिकली क्या है कि ये मॉल वाला कंसेप्ट बड़ा डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि बहुत टाइम से कोई मॉल आया ही नहीं इतने टाइम से, और हाई स्ट्रीट मार्केट ही लॉन्च हो रही थी। तो अब बेसिकली क्या है कि न्यू गुड़गांव में जो प्रॉब्लम है लोगों की, वो ये है कि मॉल जब भी उनको जाना होता है तो मॉल, या तो वो एम्बियंस मॉल जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन होता है एम्बियंस मॉल, बिकॉज ब्रांड्स एम्बियंस मॉल में बहुत अच्छे हैं, एक जो वाइब है, जो फील है, हम लोग भी एम्बियंस मॉल ही जाते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन होता है एरिया मॉल का। तो एरिया मॉल का जो ये दोनों ऑप्शन हैं, इसके अलावा कोई ज़्यादा ऑप्शन दिखते नहीं, क्योंकि सबसे अच्छी लीजिंग या सबसे अच्छे ब्रांड्स होते हैं वहीं मिलते हैं, एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक आपको घूमने फिरने भी जाना है, आपके मान ली फैमिली में कोई आया है या आपको डे आउट करना है, तो आप एम्बियंस मॉल या एरिया मॉल चले जाएंगे तो आपका पूरा दिन वहाँ निकल जाएगा, आप शॉपिंग भी कर लेंगे, मज़े भी कर लेंगे। तो ये मॉल का एक पर्पज़ होता है। न्यू गुड़गांव का ये पहला मॉल होने वाला है। बेसिकली अगर देखा जाए तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी कोई मॉल नहीं है। तो ये जो कैटर करेगा ये मॉल सेक्टर 82 वाला, वो क्योंकि करीब पड़ेगा एम्बियंस मॉल और एरिया मॉल से द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के लोगों के लिए, तो इसलिए ये बहुत अलग कंसेप्ट होने वाला है। अब बेसिकली जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, अभी थंबनेल देख रहे होंगे सामने, मैंने बनाया था मेरी बहुत फेवरेट जो हाई स्ट्रीट मार्केट है वो है स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 113 वाला, जो 1DXP स्ट्रीट है, क्योंकि वो छोटा कॉमर्शियल है, मैंने बताया था उसमें बहुत सारी खासियतें खसूसियात उसके बताए थे, तो वो ऑब्वियसली मेरा फेवरेट है, वो अभी फेवरेट है मेरा। और हालांकि उसमें बहुत सारी शॉप्स नहीं बची हैं, कुछ 6-7 शॉप्स ही होंगी जो शायद बची होंगी, लेकिन बहुत अच्छी शॉप्स हैं वो। वो इसलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि आसपास वो बिल्कुल दिल्ली से लगी हुई लोकेशन है सेक्टर 113, यहाँ से लगभग अगर हम लोग चले जाएँ द्वारका एक्सप्रेसवे से तो लगभग 9 किलोमीटर पे वो आ जाता है, और बिल्कुल वहाँ से उसके पास से सेक्टर 113 में है वो, उसके पास से सेक्टर 24-25 द्वारका का शुरू हो जाता है। आसपास कैचमेंट उसमें बहुत अच्छा है, इस वजह से मेरा बहुत फेवरेट कॉमर्शियल है वो। तो अब बेसिकली मैंने अपने कॉमर्शियल की बात करी, मैंने अच्छा बताया कॉमर्शियल को, तो अब उसमें कई लोग आप में से ये बोलेंगे कि भाई हाँ सामने से निकल जाइए भैया तो उसमें कई लोग ये बोलेंगे कि आप भाई मॉल को भी अच्छा बोल रहे हैं, आप हाई स्ट्रीट मार्केट को भी अच्छा बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते, कहना क्या चाहते हो ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो समझने होते हैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। मैंने पिछली वीडियो में भी अपने बताया था, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। आपको ये ज़रूरी नहीं कि हर मॉल चले, ये ज़रूरी नहीं कि हर हाई स्ट्रीट मार्केट चले। मैंने जैसे स्मार्ट वर्ल्ड की हाई स्ट्रीट मार्केट मेरी फेवरेट है सेक्टर 113 वाली, SCO में मेरी ऑरिस का जो सेक्टर 82A ऑरिस के SCO मार्केट वो मेरी फेवरेट है, लेकिन ये मॉल वाला कंसेप्ट है ये भी अच्छा मुझे लग रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें समझने वाले हैं। बेसिकली मॉल में एक डिमेरिट ये होता है सबसे बड़ा कि मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस हाई स्ट्रीट मार्केट से ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो छोटे ब्रांड्स होते हैं इनका, जिनको अपना खुद का काम करना है, वो लोग रिटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर सेल इतनी अच्छी नहीं हुई, आपने 5 महीने बिता दिए, 6 महीने बिता दिए, सेल नहीं अच्छी हो रही है, तो ब्रांड छोड़ के चला जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस ही नहीं पे कर पाएगा मॉल में, है ना। तो अगर इसको पॉजिटिव साइड देखा जाए तो मॉल अगर अच्छी लोकेशन पे है, कैचमेंट अच्छा है, तो वहाँ पे ब्रांड्स बड़े बड़े आएंगे। अब ये टोटली डिपेंड करता है लीजिंग टीम के ऊपर, ऐलान की लीजिंग टीम कितना एग्रेसिवली काम कर रही है, और ब्रांड्स कोई भी ब्रांड्स, अभी ब्रांड्स की बात हो रही है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये ऐलान द मिराकल के ब्रांड्स ऑन बोर्ड हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं पीछे, आप पूरा देख लीजिए, हम यही में खड़े होकर बात करते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि ये ऐलान मिराकल जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे ब्रांड्स आने वाले हैं। तो बेसिकली इतने ब्रांड्स आने वाले हैं यहाँ पे, ज़ूडियो ऑलरेडी खुल चुका है। ज़ूडियो एक ऐसा ब्रांड है जो अभी नया डेवलप हुआ है, लेकिन बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे कपड़े दे रहा है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे हलचल होने लगी है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं, शॉपिंग करके जा रहे हैं, तो मैं भी आया था, मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को लेके आऊँगा क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। और फिर इस तरह के ब्रांड्स जब यहाँ पे जाहिर से बात है आने वाले हैं तो यहाँ पे हलचल होने लगेगी। ये हाई स्ट्रीट मार्केट है, लेकिन मॉल में पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सेक्टर 82 में जो ऐलान का जो मॉल आने वाला है टेंटेटिवली, उसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये होगा।
फ्लोर्स में, उसमें लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, ये रिटेल होगा, रिटेल शॉप्स होंगी इसमें, और थर्ड फ्लोर पे होगा फूड कोर्ट। फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर जो है वो लगभग मान के चलिए आपके डबल हाइटेड रेस्टोरेंट्स और मल्टीप्लेक्स रहेगा उसमें। तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें लेने लायक हैं, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए एक इन्वेस्टमेंट करते वक्त। इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है जो ख़ास चीज़ मुझे लगी कि एक फाइव स्टार होटल इसी कंपाउंड में, जो ये मॉल आने वाला है उसी कंपाउंड में एक फाइव स्टार होटल आने वाला है। वो मुझे ये भी पता है कि कौन सा मॉल, कौन सा फाइव स्टार होटल आने वाला है, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको वीडियो भी नहीं बता सकता। जब इस नंबर पे हम लोग ऑन कॉल डिस्कशन करेंगे या आप हैशटैग इलान द मॉल लिख देंगे तो मैं व्हाट्सएप पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि भाई कौन सा फाइव स्टार। लेकिन इस लेवल का फाइव स्टार होटल आ रहा है जो इतनी प्रीमियम जेंट्री को अट्रैक्ट करेगा, इतनी प्रीमियम जेंट्री उसमें आएगी, और प्रीमियम जेंट्री आने का मतलब ये है कि ब्रांड्स भी उतने प्रीमियम आ सकते हैं। अब क्या है, मेरा आपसे सजेशन ये था कि या तो भाई आप एक छोटी हाई स्ट्रीट मार्केट में, जैसे कि मेरा पहला ऑप्शन है स्मार्ट वर्ल्ड का सेक्टर 113 वाला, उसमें भी 6-7-8 शॉप बची हुई हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो तो भाई बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है। उसके बाद अगर ये मॉल वाला कंसेप्ट आप देखें तो मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि अगर इसकी लीजिंग ठीक ठाक भी हुई, बहुत सुपरलेटिव नहीं हुई, लीजिंग ठीक ठाक भी हुई अगर इसकी, तो लोअर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद फिर थर्ड फ्लोर जो फूड कोर्ट है, सबसे पहले मेरी प्रेफरेंस रहेगी मेरे व्यूअर्स के लिए कि आपको फूड कोर्ट मिले। आप जब हमें ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, ऑन कॉल हम लोग बात करेंगे, आप हमें कॉल करके इंक्वायरी करेंगे या हैशटैग व्हाट्सएप पे लिखेंगे लान द मॉल, तो हम आपसे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इसमें। मैं सबसे पहले चाहूँगा आप लोग फूड कोर्ट मिले आप लोग को, या फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पे जो उनके रेस्टोरेंट्स वाला, जो डबल हाइटेड रेस्टोरेंट्स और मल्टीप्लेक्स वाला एरिया, उसमें कोई चीज़ आपको मिल पाए। उसके बाद फिर वैसे तो मैं सही बताऊँ तो फूड कोर्ट से पहले मैं ऑप्शन प्रेफर करता हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर आप पूरा घूम के देख लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे एप्पल का ऑथराइज्ड स्टोर आने वाला है, सैमसंग आने वाला है, पैंटलूंस आने वाला है, जूडियो आ चुका है, गीतांजलि सलोन और हल्दीराम्स आने वाला है। ये सारी चीज़ें, सबसे बड़े जो ब्रांड्स होते हैं ना, सबसे जो पुलर्स होते हैं, जो कस्टमर पुलर्स होते हैं, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर हर इंसान की खरीदने की कुव्वत नहीं होती। अगर आपकी कुव्वत है कि भाई ग्राउंड फ्लोर पर आप चीज़ें ले पाएँ, तो सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो ग्राउंड फ्लोर पर, चाहे वो मॉल हो चाहे हाई स्ट्रीट मार्केट हो। ग्राउंड फ्लोर तो समझ लिया आपने, अगर खरीद लिया तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है उसके बजट रेंज ज़्यादा होती है, हर इंसान नहीं खरीद पाता है। लेकिन अगर आपकी कुव्वत है, आप खरीद सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, सबसे पहला ऑप्शन ग्राउंड फ्लोर रहेगा। उसके बाद फूड कोर्ट, उसके बाद फिर लोअर ग्राउंड फ्लोर और अपर ग्राउंड फ्लोर। ये जो चीज़ें हैं इसमें अगर आपको चीज़ मिल पा रही है सबसे पहले, तो वो सबसे बेहतर है। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँ तब फिर आप जाएँ फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर के ऊपर। क्योंकि मान लीजिए अगर लीजिंग अच्छी भी हुई, बहुत ब्रांड्स आ भी गए, तब भी ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, ये सबसे पहले भरेंगे, और फूड कोर्ट सबसे पहले ये भरेगा, उसके बाद के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का नंबर आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को ये जो फ्लोर्स मैंने बताए हैं इस पे चीज़ें दिलवाऊँ, क्योंकि ये चलने वाली चीज़ें होती हैं। ग्राउंड फ्लोर और फूड कोर्ट मेरा पहला ऑप्शन रहता है हमेशा, चाहे वो हाई स्ट्रीट मार्केट हो, चाहे वो एक मॉल हो। तो अब मॉल में क्या है, एक कुछ पॉइंट्स मैं मॉल के बता सकता हूँ, मॉल में क्या चीज़ें होती हैं। मॉल में एक बहुत बड़ी चीज़, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक ओपन है, मतलब ओपन टू स्काई है। तो ओपन टू स्काई जब चीज़ होती है तो जाहिर सी बात है दैट डिपेंड्स अपॉन द वेदर ऑल्सो, है ना, और दिन रात के वक्त के ऊपर, सीज़न के ऊपर, और टेम्परेचर के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक मॉल में ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आप मान लीजिए कि आप एक मॉल चले गए तो पूरा एयर कंडीशन है ना, एसी है वहाँ पे, और अगर आप सर्दी में हैं तो आपको ठीक गर्म वाला फील आएगा, और गर्मी में तो ठंडा वाला फील आएगा, तो आप पूरा दिन वहाँ पे बिता सकते हैं। तो वो डिपेंड नहीं करता है, अगर उसकी लीजिंग अच्छी है तो वो डिपेंड नहीं करता है कि आपका बारिश हो रही है कि सर्दी है कि गर्मी है कि दोपहर है कि रात है, इस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, हाई स्ट्रीट मार्केट पर डिपेंड करता है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड बन गया है वो हाई स्ट्रीट मार्केट का ज़्यादा बन गया है, क्योंकि लोग बहुत कैजुअली हाई स्ट्रीट मार्केट में जा सकते हैं। मॉल में थोड़ा सा अच्छे तरीके से जाना पड़ता है, अच्छे कपड़े पहन के जाना पड़ते हैं, गाड़ी नीचे लगानी पड़ती है, पूरा दिन बिताना पड़ता है ना, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो मुझे 82 वाला मॉल लग रहा है, अगर इसमें लीजिंग अच्छी हुई, मैं अगेन बार बार ये बोल रहा हूँ कि अगर इसमें लीजिंग अच्छी हुई, क्योंकि देखिए मॉल बिना लीजिंग के तो बेकार है ना, लेकिन लीजिंग इसमें अच्छी होने के क्या चांसेस है मैं बताता हूँ। एक तो कैचमेंट बहुत अच्छा है, मान के चलिए 50 से ज़्यादा सोसाइटीज़ आसपास है जिनको एक मॉल की ज़रूरत है, तो वो ये मॉल जो है फुलफ़िल कर सकता है। इसमें जो फाइव स्टार होटल आ रहा है उसमें, उसकी वजह से बहुत अच्छे ब्रांड्स आएंगे इसमें, और एम्बियंस। देखिए मेरा कंसेप्ट ये है, आप मेरे वीडियोज़ क्यों देखते हैं,
मेरे वीडियोस आप इसलिए देखते हैं क्योंकि मेरे वीडियोस आपके एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप एक प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप अपना घर लेना चाह रहे हैं, तो मेरे वीडियोस के थ्रू आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सबसे सही तरीके से सबसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और उसके लिए आप फिर हमें कॉल करते हैं, फिर हम आपको वहाँ लेके चलते हैं और आप चीज़ ले लेते हैं अपनी। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल इतने पसंद करे जा रहे हैं। 20-21 कंट्रीज़ में चल रहे हैं, बाहर के कंट्रीज से लोग मेरे चैनल को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भरोसा करते हैं मेरे ऊपर, मेरी बात के ऊपर, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जब तक कोई भी कंसेप्ट अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा वो नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट हो सकता है मॉल वाला इलान का, क्योंकि एक प्रॉब्लम लोगों की ये है कि उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, NH8 पूरा क्रॉस करके या MBS मॉल जाना पड़ता है या फिर एरिया मॉल जाना पड़ता है। अगर वो उस तरह की चीज़ यहाँ पे आ जाती है न्यू गुड़गांव में, तो न्यू गुड़गांव प्लस द्वारका एक्सप्रेस वे सबके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ होगी। एक मॉल आ जाएगा जिसमें वो पूरा दिन बिता सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको हमें या सारी चीज़ें पूछना चाह रहे हैं बाकी, तो हमें इस नंबर पर कॉल करना होगा या #  इलान द मॉल आपको लिखना होगा व्हाट्सएप पे हमारे, तो हम समझ जाएंगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। जब आप कॉल करेंगे हमें तो हम आपसे डिस्कस करेंगे भाई दूसरी हाई स्ट्रीट मार्केट्स के बारे में भी, क्या कि मैं वही बता रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसा नहीं बोलता। मेरे कुछ जो चुनिंदा हैं चीज़ें जो मेरी फेवरेट हैं वो मैं चाहता हूँ मैं सबसे पहले आपको वही दिलवाऊँ। हर हाई स्ट्रीट मार्केट नहीं चलती है, हर मॉल नहीं चलता है ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो वो चीज़ चल जाती हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन कॉल, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस नंबर पे हमें कॉल करें, इंक्वायरी करें, हमसे बात करके डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस बेस्ट हैं आपके लिए, क्या बजट रेंज में आप देख रहे हैं। बजट रेंज आ गई। बजट रेंज मैं बता देता हूँ, आप मान के चलिए कि अराउंड इसमें मॉल में 1.7 CR 1.8 CR के आसपास का आप रखिएगा, बजट रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि पेमेंट प्लान जो लमसम आ सकता है, पेमेंट प्लान 30-40-30 के आसपास के, या 40-30-30 या 50-50 का भी पेमेंट प्लान आ सकता है। टेंटेटिव है, क्योंकि रेरा कब तक आने की उम्मीद है, वो सारी चीज़ें हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और लोकेशन अगर आपको देखनी है, या आप लोकेशन देख लीजिए, ये आपको एक शॉट दिख रहा होगा, ये DLF अल्टिमा के सामने एकदम लोकेशन है, तो ये लोकेशन भी अच्छी है। 9 acres के आसपास का ये लैंड पार्सल है इसका, तो ठीक स्पेस में आ रहा है और अच्छा चल सकता है, डिपेंडिंग अमाउन वेरियस फैक्टर्स जो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हाई स्ट्रीट करना चाहिए आपको या मॉल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप करना आपको ये है कि इस नंबर पे कॉल करनी या व्हाट्सएप पे #ilanthamall लिखेंगे आप, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो यही बात करनी थी आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चले हो।